मेरे चैनल पे नहीं, तो मेरा नाम है शिरीष और मैं लाइफस्टाइल व्लॉग, मोटो व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ, बट बजट में, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, न्यू बिगिनर बोलो। नया नया यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो कम पैसे में मैं ट्रैवल करता हूँ। तो जैसे ये मैं स्कूटर है जो इंडिया में फेमस हो चुकी है, वो वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, बर्गमैन करके फोल्डर है, देख लेना। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैं 700 किलोमीटर वन टाइम जाने का ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आना जाना 1400 किलोमीटर है। तो जैसे मैं व्लॉगर हूँ, तो मेरे पास दो बैग है, एक है ये कैमरा बैग जिसमें लैपटॉप आ जाएगा, गोप्रो आ जाएगा, ड्रोन आ जाएगा, DSLR और माइक आ जाएगा। तो ये कहाँ पे मैं फिट करने वाला हूँ वो बताऊँगा। दूसरा बैग है ये ट्रैवल बैग। तो सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, टेल बैग ले लेते हैं या सेडल बैग लेते हैं, बट मैं वो दोनों यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर करने जाऊँगा तो पैसे मेरे चले जाएंगे। सेडल बैग में लेने जाऊँ तो 3500 से लेके 6000 की रेंज में मिल जाता है, तो मुझे पैसे नहीं डालने। टेल बैग लेने जाओ तो भी 3500 से लेके 6000 तक में मिलता है, बट मुझे वो पैसे नहीं डालने। मैं सोच रहा हूँ वो 6000 मेरे ट्रैवल में डाल दूँ, जैसे पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, रहने का खर्चा हो जाएगा, खाने पीने का खर्चा, जो टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा हूँ वहाँ पर घूमना रहता उसका खर्चा हो जाता, उसकी वजह से मैं पैसे नहीं डालना चाहता। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, तो ये मैंने बैग तो ला दिया है, बट इसको है ना, मैंने जितने भी सामान डालना रहता ना वो सब डाल दिया है। तो घर पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, तो वो देख लो, बाद में मिलते हैं। तो ये अपना बैकपैक, दो बैग तो मेरे हमेशा रहते हैं। जैसे मैं व्लॉगर हूँ तो ये कैमरा गियर वाला बैग आ जाता है, जिसमें लैपटॉप रहता है, ड्रोन रहता है, कैमरा गोप्रो रहता है, DSLR माइक रहता है। ये दूसरा बैकपैक है जो ट्रैवलिंग के लिए काम आता है, जो भी कपड़े हैं, मतलब समझो कि जितने भी दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन, 10 दिन या 1 हफ़्ता, तो ये 4-5 टी शर्ट, रात का कपड़ा, ये ट्रैक ले लो, जीन्स ले लो आपके हिसाब से, या कार्गो ले लो, ये अंडर गारमेंट्स और एक बेड शीट, ये कंपलसरी हो जाता है जब आप ट्रैवल करते हो तो। ये मैंने तीन बैग रखे हुए हैं, जैसे मैंने बताया ये कैमरा बैग है, ये छोटा जैसे 2-3 दिन के लिए ट्रैवल करते हो, और ये बड़ा जो 15-20 दिन के लिए ट्रैवल करते हो। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने घर पे बताया कि 2-3 दिन के लिए ट्रैवल करते हो तो छोटा बैग लेना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो और लॉन्ग टूर पे जाते हो तो 15-20 दिन के हिसाब से ये बैग लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बड़ा बैग कैसे मेरे स्कूटर पे लगाता हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं व्लॉगर हूँ तो ये बैग तो हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे 2-3 दिन के लिए जाओ या 15 दिन के लिए जाओ। बट आप ब्लॉगर नहीं रहोगे, खाली फोटो वीडियो खींचते रहोगे, तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एक बैग काफ़ी हो जाता है। तो अगर स्कूटर है तो यहाँ पे लगा सकते हो, अगर अगर फुट रेस्ट पे नहीं रखना है और यहाँ पे पीछे रखना है टेल बैग की तरह या सैडल बैग की तरह, तो कैसे लगाते वो भी वीडियो में देख लेना, तो आपके पैसे बच जाएंगे। पहले तो मैं उर्मी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो मेरी कैमरामैन बनी है, वरना ये प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि एक हाथ से बनाना पड़ता है या GoPro यहाँ पे डालो और बाद में बनाओ तो मज़ा नहीं आता। तो पहले मैं बता दूँ, ये बंजी कॉर्ड है जो मैं कल लेके आया था स्पेशल बैग बनाने के लिए, कल मैंने डेमो ले लिया था, बट मैं उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सक्सेसफुल हूँ तब जाके मैं वीडियो बनाऊँ तो अच्छा रहता ना इसके लिए। तो ये मैंने तीन बंजी कॉर्ड लाया है, अलग अलग लाया है। ये अलग लाने का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ, ये अलग लाने का रीज़न ये है कि ये मेरी कैमरा बैग है, तो ये कैमरा बैग में मैंने ऐसे डाल दिया ना तो ये फ़ायदा होगा, मतलब देख रहे हो आप, ये ऐसे मैंने टाइट भी ऐसा दबा के रखा तो जो मेरे व्लॉगिंग रिलेटेड एसेसरीज थी वो डैमेज ना हो इसके लिए। तो पहले मैं आपको, ये कैमरा बैग है या आपका ट्रैवल बैग रहेगा, अगर आप ये फुट रेस्ट पे रखना चाहते हो तो इजीली रख सकते हो, बट यहाँ पे कभी कभार क्या तकलीफ होती है कि ये मेरी स्कूटर का बड़ा फुट रेस्ट है तो चल जाता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि एक्टिवा है या कोई दूसरी स्कूटर रहती है तो फुट रेस्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे बांध दूँगा, ये देखो बैग मैंने यहाँ पर लगाई है, इसको इस तरह करो, ये बंजी कॉर्ड को पूरा टाइट कर दो, यहाँ पर ये दोनों बाजू नहीं लगा इसके लिए, थोड़ा यहाँ पर टाइट कर दो, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पे कोई भी लोहे की चीज़ रहेगी ना वहाँ पे आप इसको अटका सकते हो प्रॉपर। ये सेकेंड साइड में देखो, ये बैग है, बैग को यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे अटका दिया है, तो ये आपका टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बैग गिरेगा नहीं, और दूसरा आपका पाव तो यहाँ पर रहता ही है। दूसरी चीज़, अगर समझो आपने ये नज़दीक में लगाया और ये लग रहा है आपको ये बड़ा है, तो क्या करने का, ऐसा पकड़ के ना आप इसको बांध भी सकते हो, ये बांधोगे तो देखो और टाइट हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे पूरा ये टाइट कर देने का। अभी मैं बैठ के दिखाता हूँ कि पोजीशन क्या है मेरी। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि बैग मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस तरह का मेरा स्कूटर पे पोजीशन होता है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बैग भी ऐसे गिरेगा नहीं। आपने ये बंजी कॉर्ड के साथ बांध दिया है, और जैसे मैंने बताया आपको लगता है ये लूज है, इसको पकड़ के ऐसा टाइट कर सकते हो, और आपको चाहिए लज्जी का, और आपको चाहिए और टाइट हो तो यहाँ पे ऐसे वहाँ लगा दो, ये देखो और टाइट हो गया, तो आप ये गाड़ी घिरा होगी भी तो भी गिरेगा नहीं, देख रहे हो,
अभी ये कैमरा बैग हो गया, अगर आपने यहाँ पे ट्रैवल बैग लगाया तो आपका टेंशन ही खत्म। बट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैवल बैग पीछे टेल बैग या सेडल बैग की जगह पे लगाते हो तो कैसे लगाते हो बताओ। ये बंजी गॉर्ड पहले चाहिए, दूसरा जैसे ये बैग है उससे ये मैंने टॉप बॉक्स लोग लगाते हैं, बट मैंने टॉप बॉक्स नहीं लगाया, ये सिर्फ ट्रे लगाई थी और दिमाग लगाया, ये अपना घर का जो बैग पैक रहता है वही मैंने ला दिया है। सामान देखो, सामान कितना डाला है फिर भी ये खाली है, तो आप ऐसा इसको फोल्ड कर सकते हो और मैं बताता हूँ कि कैसे इसको पैक करेंगे। बंजी गॉर्ड में ये मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो टेप रहता ना ये, उसको क्या करना है पहले यहाँ पे डाल देना है। टाइट कर दिया, इधर आ नजदीक आ। देखो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इसको अटका दिया जिसकी वजह से ये एक बाजू पूरा टाइट हो गया जिससे ये हिलेगा नहीं। बड़ी हम इसको खाली यहाँ पे नहीं और भी टाइट करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये दूसरा बंजी कॉर्ड दूसरी तरफ से लगाएंगे, सेम यहाँ पे अटकाइए, यहाँ पे ऐसे अटका देंगे। अभी गाड़ी है ना, मैं पूरा गिरा के दिखाता हूँ कि बैग गिरता है कि नहीं। तो ये है देसी जुगाड़ जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और घर पे ये बैग रहती है, आप ऐसे नॉर्मल बस में लेके जाओ, ट्रेन में लेके जाओ या एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करने के लिए भी ये बैग काम आ जाती है। मतलब आपको स्पेशल सेडल बैग या टेल बैग लेने की जरूरत नहीं, इस तरह आप उसको यूज कर सकते हो तो ये कन्वीनियंट हो जाएगा। और पेट्रोल की टंकी की बात करें तो आपको ये सिर्फ खुलना है और ये यहाँ पे नोट है, इसको लूज करना है। जैसे मैंने ये लूज किया, देखो पेट्रोल की टंकी भी खुल गई। कई लोग क्या बोलते हैं कि टेल बैग ना सीट के आगे आ जाते तो ये डोर नहीं खुलता, इसको मैंने खोल के भी दिखाया, वापस बंद कर रहा हूँ। देखो वापस मैंने जहाँ से फूक निकाला था वहाँ पे लगा दिया। मैंने आपको बैग लगाते वक्त यही देखना है कि चारों बाजू से आप उसको ब्लॉक करो जिसकी वजह से ये हिले तो भी गिरे नहीं, ये कभी भी दिमाग में रखना। तो जब आप ट्रैवल करोगे पूरा राइडिंग गियर पहना रहेगा, दो बैग रहेगी जैसे बताया कि कैमरा गियर दूसरी टावल बैग, तो इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हो। पिलियन भी बैठा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पिलियन भी इजीली बैठ सकता है। तो ये हो गया अपना देसी जुगाड़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मैं आगे ट्रैवल करने वाला हूँ सेम पैकिंग के साथ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और मुझे मोटिवेट करो कि ये जो मैं ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ मेरा सक्सेसफुल जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि मैं नेक्स्ट ट्रैवल जल्दी से जल्दी करूँगा। और ये बजट ट्रिप है तो कहाँ पे जा रहा हूँ, कितने रुपए में जा रहा हूँ वो भी सब बताऊँगा, पूरा वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर, लास्ट में बता दूंगा कि भाई देखो मैं कितने रुपए में खाना खाया, कितने रुपए में होटल में रुका, कितनी बार मैंने पेट्रोल भराया और किस लोगों के साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे डिफिकल्टी हुई नहीं हुई। और अपनी बर्गमैन स्कूटर के बारे में भी बताऊँगा कि चलाने में कितनी अच्छी है, बेल्ट कहीं भी टूटा तो नहीं, या फिर पहाड़ पर चला रहा हूँ तो रेस कितनी देनी पड़ रही है, तो सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये देसी जुगाड़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएगी क्योंकि मेरे पैसे बच गए जैसे मैंने बताया। मैं भी सोच रहा था सेडल बैग ले लेता हूँ। और हाँ, और एक चीज़ में बताना भूल गया, यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई बारिश आई तो यहाँ पे रेन कवर डाल दो ना, रेन कवर डालने के बाद ऐसी बंजी कॉर्ड वापस मार दो, इसके ऊपर ही बंजी कॉर्ड मारो। बंजी कॉर्ड कुछ 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक आती है, तो आपका बस वही खर्चा होगा। रेन कवर डालो उसके ऊपर बंजी कॉर्ड मारो तो और फिक्स हो जाएगा मस्त एकदम, तो आपका ये ट्रैवल बैग भी वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो रेन कवर लेना, रेन कवर मेरे ख्याल से 200, 300 या 500 रुपये तक आता है। आप कौन से एरिया में रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो वो तो मुझे पता नहीं, बट ये बजट रहता है तो आप अपने हिसाब से सस्ते में ले लेना। पार्किंग करने में भी इजी है, जैसे आपने ये लिया ऐसे ऊपर करके थोड़ा पार्किंग। सोलो ट्रिप करो या विद पिलियन के साथ करो, कंफर्टेबल है, फुल देसी जुगाड़ है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना ये देसी जुगाड़ कैसा लगा।